अभी मंदिर में भोग लग रहा है, तो चलिए जी आज की ड्राइविंग मैं करने वाली हूँ। और सामने गौरीकुंड की रोड दिखाई देती है। सीढ़ी रुमा खेतों में बैठ के टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। मैं ऐसे बोल रही थी कि आलू के लिए आपका रिश्ता पक्का कर लेते हैं, क्या कहना आपका? होम स्टे बना रखा आपने? प्लान तो हुई है अभी। अच्छा, और मैंने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी है क्योंकि जठो जी का फोन आया। जठो जी ने यहाँ पे चाय भी बना दी है और मंदिर से ये बाड़ी भी आ रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। दिन का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल भी लगे हुए हैं। मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि बैसाख का महीना है। गांव में काफ़ी सारे फंक्शन हो रहे हैं और आज गांव में है दो जगह सगाई फंक्शन। प्रधान होने के नाते मुझे दोनों जगह इनवाइट कर रखा है और वो है दूसरे मोहल्ले में, एक सगाई है बगीचा मोहल्ले में और एक है मजोसी मोहल्ले में। तो हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैं तो ऑलरेडी रेडी हो रखी थी। हस्बैंड जी के हाथों में दो थैले हैं क्योंकि दो जगह जाना है और दोनों जगह हैं लड़की की सगाई। तो चलते हैं, है ना? चलो चलिए जी, हम मंदिर के रास्ते नीचे रोड में जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी गाड़ी इधर ही साइड लगा रखी थी। और अभी मंदिर में भोग लग रहा है क्योंकि घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमें तुम्हारा यूट्यूब धन्यवाद है। का कहा आप? अच्छा अच्छा, पटल धारा। अच्छा, यह खा के छिन गए। अच्छा, धन्यवाद आप। तो प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ से दर्शन करना? अच्छा अच्छा, दी प्रणाम। अच्छा, धन्यवाद आप सब। तक धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ खाचिन आप लोग? अच्छा, भंडजा सिंह। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आप सब। तो चलिए जी, आज की ड्राइविंग मैं करने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद अपनी स्विफ्ट कार चलाऊंगी और वैसे भी ये ऑटो गियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जिस दिन इस गांव में बहुत सारी शादियाँ थी मंदिर में, उस दिन तो यहाँ कहीं भी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी। आज थोड़ा खाली खाली दिखाई दे रहा है। हम बगीचा मोहल्ले के ऊपर रोड में पहुँच गए हैं, लेकिन एक बार हम शामिल होंगे मजोसी वाली सगाई में, उसके बाद जाएंगे हम बगीचा वाली सगाई में। फाइनली हम मजोसी मोहल्ले के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी भी पार्क कर ली है। मजोसी मोहल्ला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लोकेशन में बसा हुआ है और सगाई वाला घर यहाँ नीचे पे है। थोड़ा सा टेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ मजोसी मोहल्ले से नीचे सोन प्रयाग हो गया और जोशी मोहल्ला हो गया और सामने गौरीकुंड की रोड दिखाई देती है और ऊपर केदारनाथ वाली पहाड़ियाँ। तो यहाँ से जो नज़ारे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। हमेशा ठंडी ठंडी हवा चलती है और आजकल इन बांझ के पेड़ों पर देखिए हरी हरी पत्तियाँ आ गई हैं, यानी कि मोदार पूरी तरह से आ गया है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है और रोड पे काफी सारी गाड़ियां पार्क हो रखी हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेहमान भी पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर पे। तो हम भी जल्दी जल्दी चलते हैं। फाइनली हम सगाई वाले घर में भी पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ अंदर कमरे में अभी पंडित जी के द्वारा पूजा वगैरह की जा रही है और पूजा संपन्न होने के बाद ही आगे का कार्यक्रम होगा। तो रिंग सेरेमनी में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो सभी लोगों को भेजा जा रहा है लंच करने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी भी चलते हैं। गांव में चाहे कोई भी फंक्शन हो, गाँव के लोग ही भोजन बना के तैयार करते हैं। यहाँ एक साइड भोजन बना हुआ है और इधर साइड लोग लाइन से बैठने लगे हैं। तो गाँव में खाना खाते हैं सीढ़ीनुमा खेतों में नीचे बैठ कर, और इस खेत में सरसों की खेती कर रखी है और कहीं कहीं से सरसों निकाल रखा है, तो वहाँ पर लोग बैठ रखे हैं खाना खाने के लिए। और नीचे वाले खेतों में देखिए जौ की खेती कर रखी है, जौ अभी बिल्कुल हरे हरे हैं। तो ये जो सरसों के खेत हैं, उनमें कहीं कहीं पे सरसों वैसे ही छोड़ रखा है। इसका कारण ये है कि जब ये सरसों निकाला होगा तो ये वाला सरसों हरा रहा होगा। इन खेतों में सेब के पेड़ भी हैं जिन पे सफ़ेद और गुलाबी कलर के फूल लगे हुए हैं। तो खाना भी गांव के लड़कों के द्वारा ही बांटा जाता है और यहाँ पे सबसे पहले सब्जी पापड़ वगैरह बांटने लगे हैं। और आज के इस सलाद में हैं ये टेस्टी टेस्टी रसीले माल्टे, जो कि यहीं मजोसी मोहल्ले के माल्टे हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। आज का लंच भी परोस दिया गया है और आज के लंच में है चावल, मिक्स राजमा की दाल, मिक्स वेज, सलाद में है माल्टे और गाजर खीरा। तो आप सभी के साथ इन सीढ़ीनुमा खेतों में बैठ के टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं।
हम लंच करके भी आ गए, लेकिन अंदर तो पूजा पाठ हो ही रही है। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को रिंग नहीं पहनाई, तो हम चलते हैं दूसरे मोहल्ले में, वहाँ पे थोड़ा सगाई में शामिल हो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत देर हो जाएगी, फिर वहाँ के मेहमान भी चले जाएंगे तो किसी से मिलना भी नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। चले जी, हम बगीचा मोहल्ले के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं और यहां से अब हमको नीचे पैदल जाना पड़ेगा। ऊपर रोड से जंगल के रास्ते हम नीचे सोनप्रयाग से त्रियुगीनाथ जाने वाले पैदल रास्ते पे पहुंच गए हैं और हमने यहां से भी और नीचे जाना है। यहां से त्रियुगीनाथ गांव बिल्कुल सामने दिखाई देने लग गया है और ये पूरा जंगल का एरिया है, तो चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। चलिए जी, हम बगीचा मोहल्ले में पहुंच गए हैं और बगीचा मोहल्ले में जो फर्स्ट घर है उसी में आज सगाई कार्यक्रम है। दूसरे वाली सगाई वाले घर में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे मेहमान आ रखे हैं नीमा, और ये रुद्रप्रयाग से हैं, और ये है सीमा हमारी देवरानी जी, शिवानी गैरोला, और शिवानी गैरोला भी ब्लॉग बनाते हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? शिवानी गैरोला ब्लॉग्स ना, तो आप ज़रूर चेक कर लेना, मेरी देवरानी ब्लॉग बनाती है पढ़ाई के साथ साथ। और इनके लिए एक लड़का ढूंढना है बोला है ना, शर्मा गई। हाँ, मैं अपने भाई के लिए ढूंढ रही और ये अपने लिए ढूंढ रही एक लड़का। घर वाले ढूंढ रहे ना, तो कोई नहीं, आप ही ढूंढ रहे समझ लीजिए। तो हमें ऐसे बोल रही थी कि आलोक के लिए आपका रिश्ता पक्का कर लेते हैं, क्या कहना आपका? इसकी यहाँ है दीदी की, यहाँ है तो बहन, छोटी बहन की भी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक तो चलती रहती है और जिस दिन जिसका संयोग जहाँ पे होगा वो तो होके ही रहता है ना, हमारे बोलने से क्या होता है। सगाई के सारे मेहमान और आस पड़ोस के लोग लंच करने के लिए चले गए हैं। हमने तो ऑलरेडी मजोसी मोहल्ले में लंच कर लिया है और अभी हमारी तैयारी हो गई है पड़ोस में ही सासू जी के घर पे जाने की। वहाँ पे वो चाय पीने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो चलते हैं उनके घर पे। आजकल खेतों में सरसों पक गया है तो सरसों को खेतों से निकाल के कुछ इस तरह से ढेर लगाई जाती है और उसके बाद ये सींच जाता है, उसके बाद इसके बीज खुद ब खुद झड़ जाते हैं। तो लाइन से देखिए, तीन जगह चार जगह पे ढेर लगा रखे हैं। और यहाँ ऊपर देखिए, ये आजकल ये नया मकान बना हुआ है और यहाँ ऊपर जाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम आ गए हैं अपने देवर धर्मेंद्र गैरोला जी के घर पे और बहुत अच्छा नया घर बना के तैयार किया है, बधाई आपके लिए। धन्यवाद। और ये होम स्टे बना रखा आपने? हाँ, प्लान तो वही है अभी। अच्छा, और ये है हमारे बड़े वाले देवर जी का बेटा, हेलो। और इधर हमारे फौजी देवर जी भी घर आ रखे हैं, हेलो, कैसे हैं देवर जी? कहाँ है ड्यूटी आजकल? कश्मीर सीधे बर्फ में। अच्छा, और हम चलते हैं अंदर कमरे में क्योंकि यहाँ पे चाय भी आ चुकी है और यहाँ पे नितेश देवर जी भी हैं और यही चाय लेके आए हैं आज। थोड़ा वो कर रहे हैं, काम धंधा करने लग गए हैं, चाय पीने लग गए हैं हस्बैंड जी। और कमरे देखिए कितने सुंदर हैं, मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है इन कमरों में बैठ के, है ना? देवर जी के घर पे इन नए कमरों में हमने थोड़ा सा आराम किया, बहुत ही मस्त रूम बना रखे हैं और बाहर का मौसम भी थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, लगता है थोड़ा हल्की हल्की बारिश हुई क्योंकि हमको तो नींद आने के लिए हो गया था। और अब चलते हैं वापस घर की ओर। यहाँ पे ये तीन छोटी छोटी हमारी बेटियाँ हैं, ये हमारे रोज ब्लॉग्स देखती हैं, धन्यवाद। हाँ, देखते रहना, ठीक है? तो ननद जी की सगाई संपन्न हो गई है, बधाई आपके लिए, बहुत बहुत। इधर साइड पड़ोस की सारी दीदी लोग बैठ रखे हैं, सारे हमारे वीडियोस देखते हैं, धन्यवाद सभी के लिए। और हमारी तैयारी हो गई है अब त्रियुगीनाथ जाने की, और थैंक यू। और दीदी जी बोल रहे धन्यवाद तुम्हारे लिए भी। और अब हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ना गोष्ठी में जाने के लिए देर हो रही है। देवर जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, धोती और टोपी पकड़ के बिल्कुल रेडी हो गए। चलिए, गांव वालों के जो गाय बैल होते हैं वो जंगल में कुछ इस तरह से चराने के लिए भेजे रहते हैं और जो ये छोटी छोटी घास उगी रहती है वो उनको मजे से चरते हैं। इधर साइड एक भैंस भी जंगल को भेज रखी है। तो हस्बैंड जी चले गए हैं मनी देवर जी के साथ और हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर रखी है, तो उस गाड़ी को मैं लेके जाऊँगी। तो बगीचा मोहल्ले से मैं पहुँच गई हूँ जठो जी के घर के नीचे रोड में और मैंने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी है क्योंकि जठो जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा चाय पीने के लिए आ जाओ और हलवा खाने के लिए आ जाओ। जठो जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे तो मैंने सोचा थोड़ा उनके साथ बैठने के लिए ऊपर चलते हैं। जठो जी के घर पे आने के बाद जठो जी ने यहाँ पे चाय भी बना दी है और मंदिर से ये बाड़ी भी आ रखा है। बाड़ी बोलते हैं आटे के हलवा को। और यहाँ पे रोटने भी रखे हुए हैं जो कि शादी से लेके आए होंगे जठो जी, है ना जठो जी?
अच्छा अच्छा तो मौसी जी के यहाँ स्पेशल मेहमान बन के गए थे, तो ऐसे कुछ रोटने अरसे मिलते हैं। जेठो जी के घर पे बैठे बैठे काफी टाइम हो गया है, बाहर भी हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं भी चलती हूँ अब अपने घर को। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।